हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 22 जून। 22 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए SSC MTS कोई भी एग्ज़ाम हो, दिल्ली पुलिस SSC का, चाहे UPSC PSC रेलवे व्यापम कोई भी एग्ज़ाम हो, तो करंट अफेयर सभी एग्ज़ाम में क्योंकि क्वेश्चन आता है, तो मन लगा के पढ़िए। तो चलिए आज का जो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया गया है? तो 21 जून, 18 जून, 25 जून या डी है 16 जून। तो 21 जून को जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के रूप में, जो कि 21 जून को हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर देखते हैं वर्ष 2015 से 21 जून को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 8वां संस्करण से याद रखें कि इसका जो योग दिवस का ये 8वां संस्करण था, एग्जाम में पूछ भी देता है। इसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 थीम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस साल का थीम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को मानवता के लिए योग, यहाँ थीम जो कि 2022 21 जून का थीम है। थीम के साथ पूरे विश्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो याद रखें, थीम भी पूछ देता है आपके एग्ज़ाम में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग 2022 का थीम है मानवता के लिए योग, यह थीम है 2022 के लिए। भारत में स्कूली शिक्षा में ICT का उपयोग करने के लिए किससे मान्यता प्राप्त हुई है? तो विश्व बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, ICR। तो यूनेस्को से भारत में स्कूली शिक्षा में जो कि ICT का उपयोग करने के लिए जो कि यूनेस्को से मान्यता प्राप्त हुई है। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा PME विद्या नामक एक व्यापक पहल के अंतर्गत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग करने के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त की गई है। यूनेस्को ने वर्ष 2021 के लिए शिक्षा में ICT के उपयोग के लिए किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी स्वकर्मा फाइनेंस में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? 9.1, 9.9, 9.3, 9.5, 9.9। जो कि DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी स्वकर्मा फाइनेंस है, जो कि 9.9 जो कि इतना प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी स्वकर्मा फाइनेंस है, जो सूक्ष्म व्यवसायों को प्रत्यक्ष ऋण और सह उधार के लिए संयोजन के माध्यम से प्रासंगिक वित्तीय समाधान प्रदान करती है, 9.9% हिस्सेदारी जो कि इन्होंने हासिल की है। चौथा क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु, जयपुर, कर्नाटक, मुंबई। तो बेंगलुरु में जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जिन्होंने IISc सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन इन्होंने किया है। यहाँ पर डिटेल्स चेक करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IISc बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च इन्होंने उद्घाटन किया और बाकी पार्थ सारथी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की भी नींव रखी थी, साथ ही साथ एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की भी उन्होंने नींव रखी है बेंगलुरु में। गौतम अडानी के मैन चेंज इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मोहित अग्रवाल, राहुल सिंह, RN भास्कर, अरविंद कुमार। तो गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया नामक पुस्तक RN भास्कर द्वारा लिखी गई है। तो इसका सी ऑप्शन RN भास्कर सही ऑप्शन होता। पेंगुइन रैंडम हाउस के घोषणा के अनुसार अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी की जीवनी गौतम अडानी द मैन हु चेंज द इंडिया शीर्षक के अक्टूबर में प्रदर्शित होगी। पत्रकार लेखक RN भास्कर द्वारा लिखी गई किताब में पहली बार दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में से एक अज्ञात पहलुओं को सामने लाने का इन्होंने दावा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 पुरस्कार जीता है? तो मैक्स वेरस्टैपन, सर्जियो पेरेज, कार्लोस साइंस, लुइस हैमिल्टन। जिसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हाल ही में जो कि द्वारा मैक्स वेरस्टैपन द्वारा कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 पुरस्कार जीता है। तो रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपन के कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स के अंतिम चरण में फेरारी के कार्लोस साइंस के दबाव का सामना करने के बाद फार्मूला वन सीजन की पहली छठी जीत हासिल की है। सातों क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्री निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए NIPUIN की शुरुआत की है? नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी और रामविलास पासवान। तो हरदीप सिंह पुरी ने जो कि
इन्होंने निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास बढ़ावा देने के लिए NIPUN की शुरुआत की है। तो इसका सी ऑप्शन हरदीप सिंह पुरी हो जाएगा। जो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम एक सह एक अभिनव परियोजना राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ इन्होंने किया है। तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही भारत के कौन से खिलाड़ी संयुक्त पांचवें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? तो विराट कोहली, अरविंद कुमार, सुनील छेत्री, राहुल द्रविड़। तो भारत के जो कि सुनील छेत्री में हाल ही में जिन्होंने संयुक्त पांचवें सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए, सुनील छेत्री, याद रखिएगा। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने एशियाई फुटबॉल परिसंघ एशियाई कप 2023 क्वालिफाई के दौरान हांगकांग के खिलाफ अपना 84वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया इन्होंने, और रियल मैड्रिड और हंगेरियन फुटबॉल के दिग्गज फेरेंग फुकस के रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी की है। तो याद रखें, सुनील छेत्री जो कि फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, और सुनील छेत्री एग्जाम में पूछ भी जाता है किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। नवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने उपन्यास द बुक ऑफ फार्म द एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार जीता है? तो जाब बेजोस, मिस ठीला, रूथ ओजेकी, रस्किन बॉन्ड। तो हाल ही में जो रूथ ओजेकी है जिसने अपना उपन्यास द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस के लिए एक महिला फिक्शन पुरस्कार रूथ ओजेकी ने जीता है। तो यहाँ पे प्रसिद्ध अमेरिकी कन्नड़ाई लेखिका, फिल्म निर्माता और जैन पुजारी रूथ ओजेकी ने इस साल उनके उपन्यास द बुक ऑफ फार्म एंड एम्प्टीनेस के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार इन्होंने जीता है। उन्हें लंदन में एक समारोह में जो कि $30 के पुरस्कार के विजेता के रूप में उनको घोषित किया गया है। दसवां क्वेश्चन है, विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? 26 जून, 18 जून, 21 जून, 25 जून। तो विश्व संगीत दिवस जो कि 21 जून को हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे डिटेल देखते हैं, तो विश्व संगीत दिवस वर्ल्ड म्यूजिक डे हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसी दिन संगीत की उस कला के रूप को सम्मान दिया जाता है जो विश्व संगीत दिवस 2022 की थीम है म्यूजिक ऑन द इंसेक्शन, जो कि 2022 की थीम है वर्ल्ड म्यूजिक डे का, तो याद रखिएगा इसका थीम को भी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमा कंपनी धन संचय नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो IFCO, IFSC, LIC, GIS। तो LIC जो कि इसका सही ऑप्शन हो जाएगी, LIC बीमा कंपनी धन संचय नाम की एक नई योजना शुरू की है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने धन संचय नाम की एक नई योजना शुरू की है जो नॉन पार्टिसिपेट वाली पर्सनल सेविंग लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जो सेफ्टी और सेविंग दोनों देती है। तो इसका LIC सही ऑप्शन हो जाएगी। यह जो धन संचय नाम की एक नई योजना LIC ने लॉन्च की है। आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो, सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइएगा। और थीम को भी याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में थीम को भी पूछ देता है वनडे एग्जाम में। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।